हेलो फ्रेंड्स, 14 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 15 न्यूज आइटम्स हैं जो पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, यूएस हिट्स अफगान आईएस बेस विथ लार्जेस्ट बॉम्ब। तो अब यूएस ने अफगान में यहाँ पे इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट जो केव्स यूज करते थे उस जगह पे ये बॉम्ब गिराया है। तो ये एयरक्राफ्ट यूज किया गया था बॉम्ब, इसको इसका नाम है GBU-43 बॉम्ब। तो ये लार्जेस्ट नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कभी भी कोई कॉम्बैट ऑपरेशंस में यूज किया गया। तो ये यूएस ने इसको टेस्ट भी किया था 2003 में, इसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं। तो ये ड्रॉप किया गया। तो ये कितना है, 21,600 पाउंड इसकी बॉम्ब की वेट है, 9,797 kg मतलब होता है। तो ये 1 kg का मतलब कन्वर्जन है 2.2 pounds। तो ये GBU-43 बॉम्ब है। फिर अगला न्यूज आइटम है, H1N1 33 डेथ्स इन पुणे ओवर 100 अक्रॉस द स्टेट। तो H1N1 जो स्वाइन फ्लू वायरस है, इसकी वजह से 100 डेथ्स हो गई है महाराष्ट्र में। तो ये स्वाइन फ्लू लास्ट ईयर भी हुआ था, 2016 में भी इसके केसेस थे, लेकिन इस साल अब फोर फोल्ड इंक्रीज हो गया है, काफी इंक्रीज हो गया। इवन 2015 में H1N1 वायरस केसेस यहाँ पे रिपोर्ट किए गए थे और काफी डेथ्स भी हुई थी। तो ये समर में हाई टेम्परेचर में जनरली कम हो जाता है वायरस स्प्रेड, पर अभी समर के टाइम में जो ये अनसीजनल शावर्स हुए उस वजह से इसका इफेक्ट और बढ़ गया है और यहाँ पे इंक्रीज पाया गया है। तो H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस होता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्वाइन मतलब पिग, तो ये पिग्स के ऊपर ये वायरसेस होस्ट है, पिग इज द होस्ट, तो ये इस पे रहते हैं। तो बर्ड फ्लू, ह्यूमन फ्लू, सारे के होस्ट ये स्वाइन पिग्स होते हैं, तो ये ह्यूमंस को फिर अफेक्ट करता है। तो ये H1N1 जो है वो पिक से ह्यूमंस को होता है, तो ये वायरल पार्टिकल्स जब इनहेल किए जाते हैं तो ये अफेक्ट करता है। पॉक जो है उसको, पका हुआ पॉक, कुक्ड पॉक खाने से ये नहीं होता है, बिग फ्लैश मतलब। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है, जब ये वायरल पार्टिकल्स इनहेल किए जाएंगे तो उससे ये ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स इसके वायरल सिम्टम्स जैसे होते हैं वैसे ही, हाई फीवर, कफिंग, स्नीजिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज वगैरह इसके सिम्टम्स है, लॉस ऑफ एपेटाइट, और ये फेटल भी होता है, डेथ्स भी हो जाती है। फिर अगला न्यूज आइटम है, कंडक्ट नीट इन उर्दू इन 2018-19 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पेटिशन इनके सामने आया था, ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स थे, वो चाहते थे कि नीट जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल कोर्सेज के लिए, तो ये इसको उर्दू मीडियम में भी कंडक्ट किया जाए। तो फिलहाल 10 languages में कंडक्ट किया जाता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इनके फेवर में पास किया और नीट 2018-19 से उर्दू मीडियम भी होगा लैंग्वेज। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। उन्होंने कहा था स्टूडेंट्स ने कि यूनानी मेडिसिन जो है वो तो उर्दू में ही स्टडी किया जाता है, तो इसीलिए उनका ये आर्गुमेंट भी था। तो यूनानी मेडिसिन, इट इज पार्ट ऑफ आयुष, तो यूनानी मेडिसिन के बारे में भी थोड़ा हमको पता होना चाहिए। तो इसका ओरिजिन है ये यूनान, यूनान टर्म यूज किया जाता था, अरब्स यूज करते थे इसको ग्रीस को रेफर करने के लिए। तो ये यूनानी मेडिसिन भी ग्रीस में ओरिजिनेट हुई है, तो इसका फाउंडेशन हिप्पोक्रेटिस उन्होंने किया था, और इसको इंडिया में भी अरब्स ने इंट्रोड्यूस किया था, अरब्स ने ही इसको पॉपुलराइज किया है। तो ये काफी सारी डिजीज के लिए इसमें भी ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ये जो है ग्रीक मेडिसिन सिस्टम काफी सेंचुरीज से ये इवॉल्व हुआ है, मुस्लिम वर्ल्ड में ये काफी अरब्स के थ्रू काफी ये इवॉल्व हुआ है। तो इसका कंसेप्ट वही है, बैलेंसिंग बॉडी ह्यूमर्स। तो जैसे आयुर्वेदा में भी बैलेंसिंग कहा जाता है, तो इसमें आयुर्वेदा में 3 दोष माने जाते हैं उनको बैलेंस करने का होता है, इसमें 4 ह्यूमर्स है, 4 body humors जिनको बैलेंस करना होता है। तो वो बैलेंस बिगड़ेगा तो डिजीज होगी, ऐसा मानना है। इवन चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम में उसमें 5 elements माने जाते हैं, तो ये फर्क है। तो ये बॉडी ह्यूमर्स भी क्या यहाँ मेंशन है, तो पहले तो 4 elements मानते हैं यूनानी सिस्टम में कि अर्थ, एयर, वाटर और फायर, 4 elements इन्वॉल्व है, 4 natures माने जाते हैं। तो कोल्ड होता है, हॉट होता है, वेट एंड ड्राई, तो ये 4 natures है। और 4 humors जो है वो एक ब्लड, फ्लेग, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। फिर अगला न्यूज आइटम है, कोर्ट इश्यूज नॉन बेलेबल वारंट अगेंस्ट जाकिर नायक। तो जाकिर नायक जो ये इस्लामिक प्रीचर है, तो इनके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया है। तो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये जो कोर्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट है, वहां पे ये केस चल रहा है। तो उनके पे एलिजेशन है कि इन्होंने शेल कंपनीज बनाई थी इंडिया और अब्रॉड में, और इन्होंने डायरेक्टर्स यहाँ नॉमिनेट किए थे जिनको खुद को नहीं पता था कि वो यहाँ डायरेक्टर्स है। तो शेल कंपनी मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जाता था। तो यहाँ पे हमारे लिए ये पर्टिकुलर केस इंपॉर्टेंट ना हो, पर मनी लॉन्ड्रिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये स्पेसिफिकली यूपीएससी में टॉपिक मेंशन है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है।
तो एनआईए ने भी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज भी अटैच की है। तो ही इज प्रेजेंटली सेट टू बी इन यूएई। तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या होता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब डर्टी मनी क्लीन हो गया, सफाई हो गई। तो ये कैसे होता है? मतलब इलीगल तरीके से जो पैसा अक्वायर किया है उसको आप ऐसे लीगल करके बताओ। तो एक शेल कंपनी बना दी, शेल कंपनी मतलब उनका एक्चुअल कोई फंक्शन नहीं होता, वो मनी यहाँ पे ऐसे बताते कि हाँ ये कंपनी का ये काम है, ये प्रॉफिट ये अर्न किया उन्होंने, तो ये व्हाइट मनी हो गई। तो दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास किया है। तो ये 2002 का एक्ट है और ये 2005 से इफेक्टिव हुआ है। तो इसके अंदर प्रोविजन है कि बैंक की बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरीज, इनको अपने क्लाइंट्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी चाहिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, और जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट इस डिमांड करे इसका इन्फॉर्मेशन तो उनको वो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन किया गया है और पावर्स दिए गए, जैसे हमने अभी देखा, फ्रीज किए जा सकते एसेट्स, सीज किए जा सकते, कॉन्फिस्केट किए जा सकते, जो भी ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स है वो। और ये अमेंड भी किया गया, ये एक्ट 2012 में जो अमेंडमेंट हुआ तो उसके अंदर अब यहाँ पे सिर्फ अगर आप ये इलीगल मनी पजेस भी कर रहे हैं तो आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। और पहले था थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है 30 लाख से ज्यादा है पैसा तो मनी लॉन्ड्रिंग केस बनता है। अब ये थ्रेशोल्ड भी हटा दिया गया, मतलब कितना भी है, 10,000 भी कुछ भी है तो उसके ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर चार्जेस लग सकते हैं। पेनल्टी इंक्रीज की गई है, पहले पेनल्टी के लिए लिमिट थी अप टू 5 लाख, तो ये हटा दी गई है, कोई अपर लिमिट नहीं होगी अब। और रिग्रेस इंप्रिजनमेंट पहले 3 साल का था, अब अप टू 7 ईयर्स हो गया। फिर अगला न्यूज आइटम है, व्हाई नो पेपर ट्रेल इन ईवीएम्स, सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये डायरेक्टिव दिया था इलेक्शन कमीशन को कि पेपर ट्रेल लाया जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स के ऊपर काफी केस आ रहा है, आपके टैम्परिंग पॉसिबल है, तो इसीलिए ये फिर से सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है सेंटर को भी, इलेक्शन कमीशन को, कि इसके ऊपर क्या स्टेप्स लिए गए, क्यों कंप्लाई नहीं हुआ है। तो वो है, तो ये वीवीपैट बोला जाता है, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये मशीन होता है जिसको ईवीएम के साथ अटैच करना होता है। तो इससे क्या होता है कि जब वोटर एक आपका बटन प्रेस करेगा वोटर, तो वो यहाँ पे पेपर पे एक प्रिंट आता है, छोटा सा पेपर ऐसे प्रिंट आता है कि आपने जो प्रेस किया, कौन से कैंडिडेट के लिए प्रेस किया, वहां पर लिखा हुआ आता है, तो आपका वो वेरीफाई होता है। वो प्रिंट आपको देते नहीं है, वोटर्स को नहीं दिए जाते, वो मेंटेन किए जाते हैं रिकॉर्ड्स, लेकिन ये वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है इसको। तो ये इसके लिए मशीन अटैच करने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि 2014 लोकसभा इलेक्शन में ये इंट्रोड्यूस किया जाए, पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये मशीन अभी अक्वायर नहीं की गई है, इट विल बी डिफिकल्ट। तो 2014 लोकसभा इलेक्शन में तो नहीं है, पर अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहे कि अभी असेंबली इलेक्शन में जो थे उनमें क्यों ये यूज नहीं किया गया। तो अब इलेक्शन कमीशन इस पे रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये वीवीपैट एक्सप्लेन किया गया है, तो ये डिस्प्ले करता है सारे डिटेल्स, यहाँ पे प्रिंट आउट आता है, यू कैन सी द प्रिंट आउट, यू कैन नॉट टेक इट आउट। ऐसे तो बाद में जब रिकाउंटिंग चाहिए या रीचेकिंग करना है कुछ, तो ये पेपर ऑडिट ट्रेल इसमें काफी बेनिफिशियल हो सकता है, और कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी होगी तो इसमें वो कैच की जा सकती है। फिर अगला न्यूज आइटम है, कर्नन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस टू अपियर बिफोर हिम। तो ये है कोलकाता हाई कोर्ट जज जस्टिस सी एस कर्नन। तो इनके अगेंस्ट 7 जज बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने सुओ मोटो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की है। तो ये वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ही हैज बीन डिफाइंड। तो अब सुप्रीम कोर्ट को वो बुला रहे, मींस जस्टिस सी एस कर्नन ने ऑर्डर पास किया कि 7 जजेस जो ये है सुप्रीम कोर्ट के, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के है, इनको अपियर होना है उनके सामने, ऐसा ऑर्डर पास किया 28 अप्रैल को 11:30 बजे उनके रेसिडेंस पे, कोलकाता में जस्टिस सी एस कर्नन का रेसिडेंस है, वहां इनको अपियर होना है, ऐसा ऑर्डर पास किया। तो ही सेइंग कि ये जजेस जो है इन्होंने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसको वायलेट किया, तो वो उनका उस पे बेसिस पे ये ऑर्डर है। तो ये अब हो रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है, मोदी टू ऑनर 16 ओरिशा फैमिलीज टाइड टू 1817 रिवोल्ट। तो ये पाइका रिबेलियन हुआ था इन 1817 खुर्दा रीजन ओरिशा में, यहाँ पे तो ये 1817 में हुआ था, मतलब इसको 200 साल पूरे हो गए। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे जो 16 फैमिलीज है जो ये रिबेलियन से एसोसिएटेड है उनको ये फेलिसिटेट करेंगे। तो ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको रेफर किया था, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द एग्जाम। तो ये यहाँ पे अपराइजिंग सोल्जर अपराइजिंग था, तो पैका का मतलब होता है सोल्जर्स फाइटर्स, तो ये सोल्जर अपराइजिंग इनके लीडर थे बुक्सी जगबंधु। तो इनके अंदर ये इनके लीडरशिप में ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट
रिबेलियन हुआ था, दिस मच बिफोर 1857 आल्सो, तो ये सोल्जर्स अपराइजिंग, पाइका रिबेलियन, तो ये यहाँ पे उसका डिटेल दिया गया है। तो पाइका टर्म काफी पुराना है, तो ये यहाँ पे जो फाइटर्स वॉरियर्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया था और गवर्नमेंट ने ऑफकोर्स उनको क्रैक डाउन किया, इट वॉज क्वेल्ड बाय 1818, सितंबर 1818। और फिर उसके बाद ओडिशा में जो मार्शल प्रैक्टिसेस है उनके अगेंस्ट भी स्टेप्स लिए गए कॉप करने के लिए ब्रिटिशर्स के थ्रू। फिर अगला न्यूज आइटम है रॉल्स रॉयस डीआरडीओ टू टाई अप। तो रॉल्स रॉयस एक ब्रिटिश कंपनी है, तो यहाँ पे इनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस आए थे, तो इनके ऊपर चार्जेस थे, लंदन कोर्ट में ये केस हुआ था जिसमें इनके ऊपर चार्जेस थे कि इन्होंने इलीगली मिडल मैन को एंगेज किया था कि ताकि डिफेंस डील्स जो है इंडिया में वो उनकी उनके फेवर में हो, तो ये उनके पास ऊपर एलिजेशन था और इसको उन्होंने एडमिट भी किया यहाँ पे और इसलिए उन्होंने एक बड़ा सा फाइन भी पे किया यहाँ पे। तो ये होने के बावजूद भी अब क्या इंडिया डीआरडीओ रॉल्स रॉयस के साथ कोलैबोरेट करेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन है, पर यूके के मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्चुअली कह रहे हैं कि यहाँ पे कोलैबोरेशन अब चल रहा है, तो ये एक पॉइंट है। तो इंजन टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप की जा रही है, तो हम ये हाई एंड गैस टर्बाइन इंजिन के लिए कॉपरेशन इंडिया और यूके कर रहे हैं, प्लस हमने जो इंजिन एयरक्राफ्ट इंजिन डेवलप भी किया था उसमें काफी हमको ट्रबल्स आए थे, कावेरी इंजिन प्रोजेक्ट तो था, तो अब उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है विथ द हेल्प ऑफ फ्रांस। तो ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थी उसके लिए भी कावेरी इंजिन चाहिए थी, पर कावेरी इंजिन हो नहीं पाई रेडी, वो ये हमारा अनसक्सेसफुल रहा है, तो इसको रिवाइव किया जा रहा है। प्लस हम और एक जो है एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजीनियसली अब बना रहे, खुद से बना रहे, तो जो हमारी पहली एयरक्राफ्ट कैरियर्स थी वो रशिया से हमने सोर्स की थी, तो INS विराट, INS विक्रांत, और अब जो है अब ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिया के पास है, मतलब शिप जिसके जो एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हैं, जिसपे एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो फिलहाल है वो है INS विक्रमादित्य। तो अब हम जो दूसरी थी INS विक्रांत जो रिसेंटली अब डिकमीशन की गई है, उस वही नाम से अब हम हमारी फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे। फिर ये DTI हमने पहले भी डिस्कस किया, ये इंडिया यूएस का जॉइंट कोलैबोरेशन है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, तो ये यहाँ पे भी हम जेट इंजन टेक्नोलॉजी पे जॉइंटली वर्क कर रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया प्लान्स टू बाय 3 मोर स्कॉर्पियंस। तो ये 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो है, डीजल पावर्ड सबमरीन चाहिए, उनको हमने फ्रांस की ये DCNS कंपनी उनसे लिया था, तो अब ये DCNS जो है हम इनसे और 3 लेने वाले। तो ये 2005 में डील हुआ था, इसके अंदर हमने जो कोलैबोरेशन किया था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाएगा, और ये मजगांव डॉक्स लिमिटेड जो मुंबई में है इन ये मैन्युफैक्चर करेगी 6 स्कॉर्पियन सबमरीन। तो उनमें से 2 हो चुकी है रेडी, तो फर्स्ट सबमरीन है कलवरी नाम दिया गया उसको, तो ये एडवांस स्टेज में है, अब सी ट्रायल्स चल रहे हैं इसके, तो ये फिर कमीशन की जाएगी। इवन सेकेंड सबमरीन खंडेरी भी लॉन्च की गई है, तो ये 2 सबमरीन से 6 में से जिनको नाम दिया गया ये इनिशियल स्टेप्स लिए गए। तो 2020 तक एक्सपेक्टेड है कि सारी 6 सबमरीन रेडी होगी, और अब 3 और की बात हो रही है। फिर तो ये सबमरीन है स्कॉर्पियन। फिर अगला न्यूज आइटम है CAs may be forced to share info। तो हमने अभी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देखा, उसको अमेंड भी किया गया है 2012 में, अब गवर्नमेंट और एक अमेंडमेंट इसमें लाने की स्टेप्स ले रही है, तो गवर्नमेंट ये सोच रही है, तो ये अमेंडमेंट इसलिए चाहिए कि जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स होगी उनको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो ये मैंडेटरी एक्चुअली इन CAs के लिए और जो लॉयर्स है, जो प्रोफेशनल्स है, तो ये इंटरमीडिएटरी प्रोफेशनल्स है, उनका क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी रूल होता है, जनरल रूल होता है, तो उसमें उनको पता होता है ये इलीगल डीलिंग्स, लेकिन वो कन्फाइड नहीं करते, बताते नहीं, रिपोर्ट नहीं करते, तो अब ये चेंज किया जाएगा, ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग इनके लिए भी होगी, तो ये स्टेप लिया जा रहा है। तो अभी जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे काफी सारे ऐसे इंस्टेंसेस सामने आए, इसलिए गवर्नमेंट अब ये स्टेप ले रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है ट्रंप लिप्स ऑन नेटो चाइना, मतलब उन्होंने इस बारे में बात की। नेटो इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सो नॉर्थ एटलांटिक ओशन जो है वो यहाँ पे मतलब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका शेयर करते, तो यहाँ पे 25 यूरोपियन कंट्रीज, USA, कैनेडा और टर्की ये मेंबर्स है, मतलब 28 मेंबर ग्रुपिंग है नेटो। तो ये मिलिट्री अलायंस है, मतलब अगर कोई भी एक कंट्री पे आउटसाइडर अटैक होता है तो सारी कंट्रीज उनके मदद के लिए साथ में होंगे। तो ये मिलिट्री अलायंस जो है इसके अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शंस के टाइम पे, कैंपेनिंग के टाइम पे बात की थी, तो वो अब कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, आई सेड इट इज ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे हैं नाउ इट इज नो लॉन्गर ऑब्सोलीट,
तो उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया है। इवन चाइना के ऊपर भी उन्होंने अपना स्टांस अब चेंज किया है। तो पहले उन्होंने चाइना के ट्रेड डिस्प्यूट के ऊपर काफी उसको ना सिग्निफिकेंस दिया था, पर अब वो कह रहे कि चाइना को भी हम कंसेशंस देने के लिए रेडी है, उनके साथ कॉपरेट करेंगे अगर वो हमारी मदद करेंगे नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर क्राइसिस को डिफ्यूज करने में। तो नॉर्थ कोरिया से चाइना क्लोज है, तो वो जो क्राइसिस है उसमें हमें मदद की जाए, ऐसे बस वो एक्टिव रोल प्ले करे। तो ये है। इवन सीरिया के ऊपर भी पहले उनका ये मानना था कि सीरिया में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पर अब सीरिया में केमिकल अटैक्स के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेहस पे ही अटैक किया गया वहां पे। तो बशर अल असाद रेजिम के ऊपर एलिजेशन था कि उन्होंने केमिकल अटैक करवाया था, तो उनके बेस पे वहां पे अटैक किया गया जहां से ये अटैक एलिजेड था कि यहां से हुआ है। तो वही वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे, बल्कि ड्यूरिंग बराक ओबामा रेजिम उन्होंने सीरियन क्राइसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया था, डायरेक्टली फोर्सेस नहीं लाए थे, पर अब उन्होंने ये स्टेप भी लिया। तो वो है, तो यही कहा जा रहा है कि वो अब यूएस ऑर्थोडॉक्सी जो व्यू है और यूएस व्यू पॉइंट उससे अलाइन हो रहे हैं। पहले उनके व्यू पॉइंट अलग थे, इवन रशिया के साथ कोऑपरेट करने के ऐसे व्यू पॉइंट थे, पर अब सीरिया के साथ रशिया क्लोज एली है, तो सीरिया को प्रोवोक करना मतलब रशिया को ही प्रोवोक करना, तो उनके सारे अब व्यू पॉइंट अब यूएस व्यू पॉइंट से मैच होके वो वही बात बोल रहे। तो ये नेटो के बारे में भी है, 1949 में ये मिलिट्री अलायंस बनाई गई थी, 28 मेंबर्स है अभी। लेटेस्ट दो मेंबर्स जो ऐड हुए हैं वो अल्बेनिया और क्रोएशिया, यूरोपियन कंट्रीज, 2009 में ऐड हुए थे। और नेटो में से 28 में से 3 मेंबर्स जो है वो परमानेंट मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएस, यूके और फ्रांस। और इनके अंदर नेटो में एक प्रोविजन ये है कि मेंबर्स को अपना डिफेंस स्पेंडिंग एटलीस्ट 2% ऑफ जीडीपी होना चाहिए उनका। तो ये एक्चुअली सारे नेशंस फुलफिल नहीं करते, ओनली 5 आउट ऑफ 28 मेंबर्स ये टारगेट को फुलफिल करते जो नेटो का प्रोविजन है। तो उनमें से 3 तो यही है परमानेंट मेंबर्स। फिर अगला न्यूज आइटम है, मार्च एक्सपोर्ट्स क्लाइम 27.6%। तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए 27.6% से, पर इम्पोर्ट्स भी इंक्रीज हुए 45.25% से। तो इसीलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट और बढ़ गया। ट्रेड डेफिसिट मतलब इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो हमको डेफिसिट है। तो क्योंकि दोनों बढ़ रहे लेकिन इम्पोर्ट ज्यादा बढ़ रहे, तो ट्रेड डेफिसिट और बढ़ गया, वाइडन हो गया। तो वो पॉइंट यहाँ रखी गई है। WTO ने भी फोरकास्ट किया है वर्ल्ड ट्रेड जो है ग्लोबल ट्रेड 2017 में 2.4% से ग्रो होगा। फिर अगला न्यूज आइटम है, सेंटर एम्स टू ऑक्शन कोल ब्लॉक्स। तो कोल ब्लॉक्स जो है उनका कमर्शियल माइनिंग के लिए ऑक्शन किया जाएगा दिसंबर 2017 में, एक्सपेक्टेड है ये। तो अब तक ये PSUs, स्टेट PSUs जो है उनकी मोनोपोली है कोल माइनिंग में, तो अब ये मोनोपोली एंड की जाएगी। तो कोल से हमारा 70% पावर जनरेशन होता है, तो फ्यूल यूज किया जाता है व्हीकल्स में, बट पावर जनरेशन के लिए कोल मेजर हम डिपेंडेंट है इस पे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि डोमेस्टिक आउटपुट अभी इंक्रीज हो ताकि इम्पोर्ट्स भी इधर कम किए जा सके। तो हमारा टारगेट यही है कि 1 billion ton कोल प्रोड्यूस करना चाहिए बाय 2020। तो इसीलिए ये कोल ऑक्शनिंग विल बी हेल्पफुल। फिर अगला न्यूज आइटम है, RBI टाइटन्स नॉर्म्स ऑन बैंक परफॉर्मेंस। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज आई है आज। तो ये है RBI ने रिवाइज नॉर्म्स लाए हैं, ये है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो ये जो PCA फ्रेमवर्क यहाँ लाया गया है उसके अंदर थ्रेशोल्ड्स लाए गए, मतलब 3 थ्रेशोल्ड्स हो गए, लिमिट्स होगी। तो अगर ये लिमिट क्रॉस की जाएगी, अगर जो क्राइटेरिया जैसे है, तो ये क्राइटेरिया अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस किया जाएगा तो उसके बाद वो बैंक्स के ऊपर ये रेगुलेशंस, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस लाए जाएंगे। तो ये 3 थ्रेशोल्ड, अगर तीसरा थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ तो बैंक्स को मर्ज भी किया जा सकता है, इवन बैंक को शटडाउन भी किया जा सकता है। तो ये 3 थ्रेशोल्ड्स है। तो ये 1 April 2017 अभी से ये एप्लीकेबल हो गया है, और ये जो थ्रेशोल्ड है इनको हर 3 साल में फ्रेमवर्क को पूरा रिव्यू किया जाएगा। तो ये है 3 साल बाद रिव्यू किया जाएगा, और ये थ्रेशोल्ड जो है वो डिपेंड बेस्ड है इस पे, कैपिटल पे, बैंक्स का कैपिटल है, नेट नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उनकी, और लेवरेज रेशियो। तो ये थ्रेशोल्ड जो 3 है, फर्स्ट थ्रेशोल्ड कब ट्रिगर होगा, जब ये कंडीशंस होगी एनी वन ऑफ दीज। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर 10.25% से कम हो जाता है, या ये जो कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशियो होता है, कैपिटल रेशियो, वो कम होता है, तो उसका क्राइटेरिया, आपको ये स्पेसिफिक नंबर्स याद करने की जरूरत है। नेट NPA जो है वो 6% हो जाता है, या 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए नेगेटिव रिटर्न ऑफ एसेट्स हो गए, तो वो थ्रेशोल्ड 1 मतलब ब्रीच हुआ ये माना जाएगा। तो अगर ब्रीच होगा तो उसके बाद क्या होगा, रिस्ट्रिक्शंस लाए जाएंगे बैंक्स पे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, इवन अगर फॉरेन बैंक है तो उनके पेरेंट बैंक को कहा जाएगा कि यहाँ पे कैपिटल और लाया जाए। तो ये फर्स्ट थ्रेशोल्ड है। सेकंड थ्रेशोल्ड कब ब्रीच होगा, तो यहाँ पे और
नॉर्म्स जब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कम हो रहा है, मतलब बिलो 7.75% हो रहा है, नेट एनपीए थ्रेशोल्ड 12% का ब्रीच हो रहा है, 3 consecutive years के लिए नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट्स है, तो इन केसेस में फिर थ्रेशोल्ड 2 ट्रिगर हो रहा है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस लाए जाएंगे कि ब्रांच बैंक ब्रांचेज एक्सपांशन पे रिस्ट्रिक्शंस हो गए, हायर प्रोविजंस रिक्वायर होंगे बैंक्स को फुलफिल करने के लिए, तो ये होगा। और जो थर्ड थ्रेशोल्ड लास्ट थ्रेशोल्ड जो है वो कब ब्रीच होगा, जब नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अबाउट 12% चले जाते हैं, नेगेटिव रिटर्न ऑफ एसेट्स 4 consecutive years के लिए है, तो इन केसेस में जब ये थर्ड थ्रेशोल्ड ब्रीच होगा तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जो फर्स्ट और सेकंड ब्रीच में वो तो हो गए ही, उनके अलावा और रिस्ट्रिक्शंस लाए जाएंगे कि मैनेजमेंट कंपेंसेशन पे, डायरेक्टर्स फीस पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लाए जाएंगे, स्पेशल ऑडिट रिक्वायर्ड होगा, रिस्ट्रक्चरिंग ऑपरेशंस इनिशिएट किया जाएगा, रिकवरी प्लान एक्टिवेट किया जाएगा। तो वही जैसे कह रहे, बैंक्स बंद भी किए जा सकते, बैंक्स मर्ज किए जा सकते, तो ये स्टेप्स लिए जा सकते। तो आरबीआई ने कहा है कि प्रोमोटर्स जो है बैंक्स के, उनको कहा जाएगा कि नया मैनेजमेंट लाओ, बैंक्स बोर्ड का को सुपरसीड किया जाए, करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे, तो ये यहाँ पे बैंकिंग रिफॉर्म्स में ये स्टेप लिए गए। अगला न्यूज आइटम है, लास्ट वन, फर्स्ट इमेज ऑफ डार्क मैटर वेब कैप्चर्ड। तो ये है डार्क मैटर ब्रिज, तो ये वेब लाइक सुपर स्ट्रक्चर है जो गैलेक्सीज को कनेक्ट करता है। तो ये हमेशा से, मतलब सालों से ये पता है, डेकेड्स से, मतलब सदियों से, मतलब डेकेड्स, मतलब अराउंड इयर्स, 10 इयर्स के डेकेड्स से ये प्रिडिक्ट किया गया है कि डार्क मैटर ब्रिज है जो गैलेक्सीज को कनेक्ट करता है। तो ये अब इमेज कैप्चर हुई है, तो ये है डार्क मैटर स्ट्रक्चर की इमेज, तो ये डार्क मैटर ब्रिज है। तो यही है न्यूज आइटम्स, थैंक यू।